अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग मुझसे करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, बाज़ औक़ात यूट्यूब वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर, रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग। आप लोगों को आइडिया होगा कि इस वक्त हमारे फ्री कोर्सेज के साथ साथ पेड कोर्सेज जो हैं फ्रीलांसिंग के, वो भी चल रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, पावर बीआई का पेड कोर्स है जिसकी 550 रुपीज़ फीस है। और जो फ्रीलांसिंग का पेड कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 6 मई को, उसकी भी 550 फीस है। ये उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि फ्रीलांसिंग फ्री में नहीं सीखी जा सकती। वैसे ये सारा के सारा मवाद जो है ये आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। लेकिन चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे कहता हूँ कि 10% सक्सेस रेशो है फ्रीलांसिंग की, 90% जो है वो फेलियर रेशो है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता क्यों है बेसिकली, कि 10% भी ना बड़ा मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, वरना 90% लोगों को तो जैसे ही वो फ्रीलांसिंग में आते हैं तो उनको स्कैमर्स जो है वो घेर लेते हैं। और ये स्कैमर क्यों घेरते हैं या फ्रीलांसिंग में नाकाम क्यों होते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में मैं बात करना चाहूँगा आज। देखें, जब आप फ्रीलांसिंग के या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सोचते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक लालच होता है, या आपने एक अपने माइंड में कैलकुलेशन करके रखी होती है, जैसे ही मैं ये स्टार्ट करूँगा तो मैं हज़ारों लाखों डॉलर जाते कमाना शुरू कर दूँगा। जैसे कि वहाँ पर वो, जैसे हम एक सोचते हैं ना कि जो बंदा फ़ौरन गया है वहाँ पर दरख्तों पर पैसे लगे होते हैं और वो पता नहीं तोड़ तोड़ के भेज रहा होता है और लोग उससे डिमांडें कर रहे होते हैं, ऐसा ही लोगों का यहाँ पर माइंड होता है। और सिर्फ ये माइंड फ्रीलांसिंग के लिए नहीं होता, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो लोग उसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं पहले से, जिसको मैं एक्सेल कैलकुलेशंस कहता हूँ, जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स को जहन नशीन नहीं रखा जाता, रिस्क फैक्टर के ऊपर काम नहीं किया जाता और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम एक ऐसा माइंडसेट लेके, बहुत सारे डॉलर्स का माइंडसेट लेके आते हैं, यानी कि हमारे अंदर एक लालच होती है, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, वो या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वो मिलती हैं कि आपने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाने हैं। जिसकी एक एग्जांपल, रिसेंटली एक एप्लीकेशन बंद हुई है, IDA, जिसका बड़ा शोर इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली गुजरांवाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की साइड पर, कि लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो डूब गए हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार बेच के इसमें इन्वेस्ट कर दिए थे, जिन्होंने अपना बिज़नेस ख़त्म करके इन्वेस्ट कर दिए। मैं बेवकूफ़ इसलिए कहूँगा, वो अपनी लालच की वजह से मारे गए हैं, उन्होंने रिज़्क़े हलाल की बजाय हराम रिज़्क़ की तरफ जाने को जो है तरजीह दी। अब इनका ना तरीकाकार बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये आपको ऐसी ज़बरदस्त कैलकुलेशंस करके देते हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और लोग फॉलो किसको करते हैं, वो चंद लोग जो स्टार्ट में इन एप्लीकेशंस को ज्वाइन करते हैं और इन एप्लीकेशंस के लिए काम करते हैं, जो इन एप्लीकेशंस में लोगों को लेके आते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं जी कि आएँ आप भी इन्वेस्ट करें, मैंने इन्वेस्ट किया, ये देखें मेरा स्क्रीनशॉट, मैंने $1000 इन्वेस्ट किया था फॉर एग्ज़ाम्पल और मैंने $1000 से मज़ीद अर्न कर लिया है, तो आप भी कर सकते हैं। बस सिंपली आपने 2-3 टास्क हैं वो करने हैं रोज़ाना के, मे बी वीडियो एड देखने हैं या इस तरह कुछ, और आप पैसे कमा लेंगे। सबसे पहला जो स्कैम है ये लोग आप लोगों के साथ करते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है इन चीज़ों की तरफ कि ऑनलाइन अर्निंग सिर्फ यही है। अब जो तो उसमें कामयाब हुआ, कामयाब का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 4 पैसे कमा लिए, कामयाबी तो नहीं है वो, जिन्होंने 4 पैसे कमा लिए वो आइंदा आने वाली एप्लीकेशन के ऊपर भी इन्वेस्ट करेंगे जब तक वो बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क ना हो जाए, वो डूब ना जाए। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया IDA जैसी एप्लीकेशन के अंदर, Java AI जैसी एप्लीकेशन के अंदर, और जैसी बहुत हैं, OctaFX है, IQ ऑप्शंस हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जो कि PTA ने भी अब तो मैसेजेस स्टार्ट कर दिए हैं कि ये इलीगल हैं और हम इनको बैन करने जा रहे हैं। जो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं और आते ही उनके पैसे डूब जाते हैं, उनका माइंडसेट ये डेवलप हो जाता है ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन अर्निंग नहीं की जा सकती। ये फ्रॉड रियल लाइफ में भी होता है, फिज़िकल लाइफ में भी होता है, जैसे ऑनलाइन के अलावा आप बात करें, बहुत सारे मैसेजेस भी आपको आते होंगे, कॉल्स भी आती होंगी जिसमें आपको पैसे का लालच दिया जाता है। तो जब आप लालच लेके आएंगे, आपके अंदर सीखने की जुस्तजू नहीं होगी और आप जो है वो
लेने के आपको देने पड़ जाएंगे, आप कमाने के बजाय नुकसान कर बैठेंगे। तो पहली चीज़ यह है कि ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, बचना है, ताकि आप लोगों का इस तरह का लॉस ना हो। अब दूसरी लेग पे बात आ जाते हैं, अगर आपके अंदर लालच नहीं है तो आपके अंदर डर है तो भी आप नहीं आ सकेंगे। अब डर किस चीज़ का होता है, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होगा। सर ने तो बोला था जी कि 10% लोग कामयाब होते हैं, तो पता नहीं मैं उन 10% में आऊँगा या नहीं आऊँगा। ये 10% भी मैं वैसे ज़्यादा बताता हूँ, इससे भी कम है रेशो जो फ्रीलांसिंग का सोच के घर से निकलते हैं और नाकाम हो जाते हैं। तो वो जो एक डर आपके अंदर बैठ जाता है, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, भाई अगर आप नाकाम हो गए तो वही होगा जो कामयाब अभी आप नहीं आए इस फील्ड के अंदर तो हो रहा है। नाकाम होने की रीज़न्स ये हैं कि आप मेहनत नहीं करते, आप काम सीखते नहीं हैं, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं करते, आप किसी क्या कह सकते हैं मौजदे के इंतज़ार में बैठ जाते हैं, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट रातों रात आपके पास आएगा और आपको हायर करेगा और आपके पास डॉलर्स ही डॉलर्स हो जाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत मेहनत तलब काम है, बहुत मेहनत तलब काम है। अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है तो 6 महीने तो आप समझ लें कि फुल टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी सीखने में, प्रोफाइल बिल्डिंग में, तब जाके आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। आप प्रपोजल सेंड कर रहे होंगे, आप ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, आप स्विफ्ट रिस्पांस दे रहे होंगे क्लाइंट्स को जो कि आपको मैसेजेस करते हैं, तब जाके आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे। तो अब ये जो मुश्किलात हैं ना, इनसे लोग घबराते हैं, लोग कहते हैं नहीं यार मैं इसकी बजाय 100, 200, 400 डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर लेता हूँ कहीं पर, मैं इनकी तरफ नहीं आता, तो जिसकी वजह से लोग नाकाम हो जाते हैं। लोग सिर्फ हार्ड स्किल के ऊपर जो है वो फोकस्ड होते हैं, वो कहते हैं जी कि हम सीख लेंगे कुछ टेक्निकल स्किल सीख लेंगे, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई भी स्किल है वो हम सीख लेंगे और उसके बाद हमें काम मिलना शुरू हो जाएगा। और वो सीखते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते, वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करते, उनकी अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, उनके टाइम पे काम डिलीवर करने के इश्यूज़ होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन के इश्यूज़ होते हैं। ये सारे सॉफ्ट स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप होने ज़रूरी हैं, इनके ऊपर भी आपने काम करना है, इनको भी आपने सीखना है, आपने अंदर ये चीज़ें पैदा करनी है कि क्लाइंट आपको मैसेज कर रहा है तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, अगर क्लाइंट किसी टाइम पर किसी बात पर गुस्सा है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। एक और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है फ्रीलांसिंग की फील्ड में आने से पहले, कि हम जब फ्रीलांसिंग में जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें किसी के अंडर काम नहीं करना। भाई जो आपको पैसे दे रहा है ना, हाँ वो आप फिज़िकली किसी जगह पे जॉब करने जा रहे हैं या आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको पाबंद करता है अपने काम की टाइमलाइंस के ऊपर, अपने काम की क्वालिटी के ऊपर। अगर आप नहीं उसके ऊपर कमिटेड होंगे तो डेफिनेटली आप अपना प्रोजेक्ट लूज़ करेंगे या अपनी जॉब लूज़ करेंगे। तो आपने इन एनी केस काम करना है उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपको जिनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए। अब जॉब क्यों करनी चाहिए, ये जॉब आपके अंदर ना बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स पैदा करती है, जैसे आपका टाइम से ऑफिस पहुँचना, टाइम से आपका काम करना, आपका मीटिंग्स अटेंड करना, कम्युनिकेशन करना, आपका लहजे के अंदर पोलाइटनेस जो है ये किस तरह किन लोगों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं वहाँ पे। तो आपको कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए कहीं पे इंटर्नशिप कहीं पे जॉब करनी चाहिए और अपने आपको टफ टाइम देना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट से टास्क से घबराना नहीं है, आपको वो करने हैं तब जाके आप फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हो। यहाँ पर सूरत हाल ये बन जाती है इंसान की, जब 1-2 साल आपको काम करते हुए हो जाते हैं तो आप इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, आपको 24 आवर्स अ डे आपको लॉक करने पड़ते हैं, 120 आवर्स अ वीक से आप ऊपर चले जाते हैं, वीकेंड पे भी काम कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने मे बी रिसोर्स रख के उससे मैनेज करें, आउटसोर्सिंग करके मैनेज करें, वो आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप कहें जनाब कि अब मैं तो 8 घंटे से ज़्यादा काम करने का कायल ही नहीं हूँ लेकिन मैंने करनी फ्रीलांसिंग, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग के में बहुत कुछ जो है वो करना पड़ता है,
सेक्रीफाई करना पड़ता है। अब एक और सवाल आता है जी कि मैं करना तो चाहता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा। ये बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा फियर पाया जाता है, जब मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाऊँगा तो मैं कैसे फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। उनको मैं अक्सर ना अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और मैं उस वक्त क्या कर रहा था। जब मैंने अपनी प्रोफाइल बनानी शुरू की थी तब मैं ऑफिस जाता था, जोंग में मैं जॉब कर रहा था, मैं ऑफिस में सारे काम भी कर रहा होता था, चीज़ें मैनेज कर रहा होता था, और मीन वाइल मैं अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता था। मैंने कुछ चीज़ों की ना कुर्बानी दी थी, आप भी इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो क्या चीज़ें थी? सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने अपने जो रूटीन टास्क थे, जो रोज़ाना के करने के काम होते हैं, जैसे बाज़ार से कुछ लाना है, ग्रॉसरीज़ हैं, शॉपिंग है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिलना मिलाना, ये मैंने एक दिन इसके लिए कर दिया, और वो था संडे का दिन या सैटरडे, कोई एक दिन आप कर सकते हैं। तो आपका बहुत सारा टाइम यहाँ से बच जाएगा। फिर मैंने अपनी नींद को कुर्बान किया, मैं काम सीखते हुए, प्रोफाइल बनाते हुए साथ साथ अपना खाना भी खा रहा होता था, मैं एक एक जगह से अपना टाइम बचाता था। तो आप भी अपना टाइम बचा सकते हैं, आप देखें अपनी लाइफ के अंदर, ज़रा डायरी लेके बैठें और लिखें कौन सा दिन में ऐसा टाइम है जो कि आप बचा सकते थे, जो आपने फजूल में वेस्ट किया है। तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा अपने दिन की मसरूफियात में से, जो कि आपको बचाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो ज़ाया कर दिया। उसमें आप लर्निंग करें, अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी इसमें आने के लिए। अच्छा, फिर ये कहा जाता है जी कि क्या हम फौरी तौर पे जॉब छोड़ के इस काम में ना आ जाएं, क्योंकि आगे तो हमने इसी में चलना है। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, ये आपने गलती भी नहीं करनी। अपना जो आपका किचन चल रहा है ना, वो बंद नहीं करना आपने। जिस दिन आप अपना किचन अपने हाथ से बंद करेंगे, उस दिन से आप डिप्रेशन का शिकार होंगे और गलत फैसले लेने शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास 50,000 लाख रुपया पर मंथ आ रहा था जो कि आपने बंद कर दिया आना। अब वो गैप कहाँ से कवर होगा? ग्रॉसरीज कहाँ से आएंगी, बच्चों की फ़ीस कहाँ से जाएगी, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो आपने जॉब नहीं छोड़नी, जितनी भी हेक्टिक जॉब है आपने वो जारी रखनी है टिल द टाइम कि आप अपनी सैलरी का 4 मल्टीपल पर मंथ ना कमाना शुरू कर दें। अब 4 मल्टीपल, जैसे अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप जब 4 लाख पे जाएंगे तो आप जॉब छोड़ दीजिएगा, आप 50,000 कमा रहे हैं तो 2 लाख पे जब आपकी फ्रीलांसिंग की इनकम शुरू हो जाए तो आप छोड़ दीजिएगा, या अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है फ्रीलांसिंग में तब भी आप क्विट कर सकते हैं, तब भी वो लॉन्ग टर्म जॉब होती है, साल, 2 साल, 4 साल के लिए होती है, तो आप वहाँ से भी जो है वो क्विट उसको कर सकते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस्ड हो सकते हैं। फिर एक और सवाल किया जाता है जी कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते, हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि जी हमने फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट कर दी है, हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। अब मैं अपने स्टूडेंट्स की आपको बताता हूँ, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और उनकी जो बैड हैबिट्स, दोनों के बारे में बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रमज़ान स्पेशल फ्रीलांसिंग में ट्रेनिंग में रजिस्टर किया और अब तक वो अपनी प्रोफाइल भी कम्प्लीट 100% नहीं कर सके, और उनमें से ऐसे भी हैं जिनको ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। फ़र्क कहाँ पे है? जिनको ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए हैं उन्होंने एक एक चीज़ को जो उनको बताई गई थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। उन्होंने टाइमली अपनी प्रोफाइल बनाई, टाइमली अपना स्किल सीखा, 2 वीक के अंदर अंदर उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और वो काम करना शुरू हो गए। कुछ राइजिंग टैलेंट पर आ गए हैं, कुछ आ जाएंगे कुछ टाइम तक। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। लेकिन वो दूसरी तरफ है ना, जो ये सोचते हैं यार कि मैं आज रहने देता हूँ, कल कर लूँगा, मैं ये वीडियो जो है ना ये कल देख लूँगा। मैं क्या कहता हूँ कि यार आज का सेशन आज ही देखना है आपने, और कल आने से पहले ये सारा का सारा आपने प्रैक्टिस करके आना है। जब आप नहीं प्रैक्टिस करके आएंगे तो क्या होगा? आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप नए सेशन में आ गए, पिछला आपको कुछ याद नहीं था, यहाँ पर उन चीज़ों को डिस्कस किया गया, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप दूर होना शुरू हो गए इससे। जब आप स्टेप बाय स्टेप दूर होना शुरू हुए तो 3 या 4 या 5 दिन के बाद आप उस मीटिंग को या उस ट्रेनिंग को अटेंड करना छोड़ देंगे। हमारे पास डे 1 में 48 या 49 पीपल थे और लास्ट डे के अंदर 18 पीपल रह गए थे ट्रेनिंग के अंदर।
तो बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों ने अपने दिल को मुतमिन कर लिया ये कह के कि ये उनके बस की बात नहीं है, या वो बाद में कर लेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कभी भी नहीं कर सकेंगे अगर वो इस माइंडसेट के साथ चलते रहे। तो ये इतना आसान नहीं है फ्रीलांसिंग में आना या फ्रीलांसिंग करना। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान का हर बंदा जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहा है और वो एप्लीकेशंस के पीछे दौड़ रहा है, वो उधर दौड़ने की बजाय फ्रीलांसिंग में आ जाता है। ये मेहनत तलब काम है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े गुरु बैठे हुए एक अरसे से सिखा रहे हैं और वो इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं ला सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लॉन्च की, हर पाकिस्तानी को फ्रीलांसर नहीं बना सके, फिर भी लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, फिर भी लोग जो हैं वो इजी अर्निंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रिगार्डलेस कि आप किसी देहात में रह रहे हैं या किसी शहर में रह रहे हैं, ये चंद टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इनको फॉलो करें, ये मेरी गारंटी है कि अगले 3 से 4 माह के अंदर अंदर आप ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर देंगे एज अ फ्रीलांसर। सबसे पहली चीज़, हर ऐसा एडवर्टीजमेंट, हर ऐसा मैसेज इग्नोर कर दें जहाँ पर आपको इजी मनी की तरफ ले जाया जा रहा हो, जहाँ पर आपको किसी एप्लीकेशन में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में बताया जा रहा हो, जहाँ आपको ये कहा जा रहा हो कि जी हम आए, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे बाय द वे मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी स्टोरी भी बताऊँगा जो कि मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया है पिछले दिनों में। सबसे पहले तो आपने इनको इग्नोर कर देना है, फिर आपने स्टार्ट करने से पहले अपने लिए स्किल को चूज़ करना है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है डेटा एनालिटिक्स फॉर फ्रीलांसिंग के हवाले से, वो एक कंप्लीट ट्रेनिंग है जो कि हमारी कंटिन्यू है और उसका हमारा फोर्थ स्किल चल रहा है, प्रोफाइल्स हम बना चुके हैं, फोर्थ स्किल है। उसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने किस तरह से एनालाइज़ करना है कि आपको कौन सा स्किल सीखना चाहिए, वो एनालिसिस आपने ज़रूर करना है अपने ऊपर। जब वो एनालिसिस कर लेंगे और आप एक स्किल अपने लिए चूज़ कर लेंगे तो फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अब वो प्लेटफॉर्म मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फ्री ट्रेनिंग्स की तरफ जाएं। आप फ्री ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? यूडेमी से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, अब तो चैट जीपीटी आ गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन करके चीज़ें सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स बने हुए हैं। नहीं समझ में आता तो किसी ट्रेनर को हायर करें और उससे पैसे दे के उससे सीख सकते हैं आप। मेरे पास जितना मटेरियल है सारे का सारा यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। नहीं सीख सकते तो फिर मैं पैसे लेके भी सिखाता हूँ, लेकिन उसकी फ़ीस मैंने बहुत थोड़ी सी रखी हुई है, वो इसलिए ताकि आपके जेहन का वो जो कीड़ा है ना कि जनाब फ्री वाले कुछ सिखाते नहीं है, असल में पेड़ में सारा कुछ है, तो वो मर जाए। चीज़ें वही होती हैं जो फ्री ट्रेनिंग के अंदर मैं बता रहा होता हूँ। तो आपको फिर वो सीखना है और फिर उसके ऊपर आपने टाइम स्पेंड करना है, अपने प्रोफाइल्स बनानी है। अब मुझसे सीखना है फ्री में तो फिर कैसे सीखेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाएँ, यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वो ज्वाइन कर लें। फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाएं, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक है जो कि यूट्यूब के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट है, 30-31 लेसन्स जो हैं वो उसमें अपलोड हो चुके हैं और ये वीडियो भी उसी का एक पार्ट है। वहाँ पर आपने उस प्लेलिस्ट को day 1 से देखना शुरू करना है। अब देखना कैसे शुरू करना है? ऐसा नहीं करना कि आपने आज शुरू किया और आज आपने कोशिश की जनाब कि मैंने सारी की सारी वीडियोज़ आज ही देख लेनी है, ऐसा नहीं करना। एक वीडियो पकड़नी है और 2 दिन में उस वीडियो को मास्टर करना है आपने। पहले देखें उसको तसल्ली से, उसके पॉइंट्स नोट करें मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें बताई हैं, फिर उसको देख के पॉज करके उसकी प्रैक्टिस करें, फिर तीसरी मर्तबा उसको आप कोशिश करें कि बग़ैर वीडियो देखे प्रैक्टिस करें और फिर उसकी एक आपने जो है वो कहीं पर स्टक हों तो वहाँ से आप हेल्प लें, और लास्ट टाइम फोर्थ टाइम आपने बग़ैर देखे उसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने video 2 की तरफ जाना है एंड सो ऑन, और इसकी सारी की सारी वीडियोस देखनी है। जब आप इसकी 25 वीडियोस तक पहुंच जाएंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बिडिंग स्टार्ट कर दें अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर भी, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी और आप ऑर्डर्स लेना शुरू कर चुके होंगे या इस काबिल हो चुके होंगे कि आप ऑर्डर ले लें। सीखना ख़त्म नहीं करना, उसके बाद भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन यहाँ तक आपने प्रोफाइलिंग और सारा कुछ करना है। तावला नहीं होना, जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से सीखना है। 6 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ में ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना कि मैं 6 मंथ का कोर्स 1 महीने में कंप्लीट करके पैसे शुरू कर दूंगा, मुमकिन नहीं है।
ऐसे ही मुमकिन नहीं है जैसे आपने ग्रेजुएशन के लिए 14 या 16 ईयर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स आपको छोड़ के आए और अगले दिन डिग्री आपके हाथ में थी और जॉब आपको मिल चुकी थी, ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। तो खुदारा सीखने की तरफ आएँ, मेहनत करने की तरफ आएँ, हक हलाल की रोज़ी कमाएँ, जुए के आदि ना बने। इन एप्लीकेशंस ने पाकिस्तानियों को जुवारिया बना दिया है। अब ये कहते हैं कि हम चंद पैसे लगाएं और बहुत सारे पैसे कमा लें और अपने भी डूब जाते हैं। अब वो जो लास्ट में मैंने कहा था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ज़बरदस्त है। एक टिकटॉकर है, आई थिंक कोई सात का बाद ये साइड का रहने वाला है, फ़नी वीडियो बनाता है, गाँव का रहने वाला है। सारी ज़िंदगी उसने जानवर पाले और ज़िम्मेदारा किया। निसार जट नाम है जो उसका, निसार जट। आप लोग अगर टिकटॉक देखते हैं तो आप शायद उसको जानते हो, फैसल जट का कोई चाचा वगैरह है। अब निसार जट के गांव में एक लड़का है जो कि इसी तरह की एप्लीकेशन में लोगों के पैसे लगवा रहा है 850 रुपया। मैंने वीडियो देखी, उसने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ था, मैंने व्हाट्सएप पर रब्ता किया। उसने कहा जी 850 रुपये भेजे, मैं आपका अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा उससे क्या होगा? उससे जी आपने रोज़ाना इतने एड्स देखने हैं। और मैंने कहा यार अभी आईडीए तो बंद हुई है, जब आईडीए बंद हो गई है तो ये भी तो बंद हो जाएगी। कहता है जी ये तो 5 साल से काम कर रही है, कहाँ पे रह रहे हैं, आपको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। यानी कि वो बंदा ना जिसके पास तालीम है ना जिसके पास इलम है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। उन स्कैम्स के होने के बावजूद, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको फॉलो, उसको मैसेजेस कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। ये जो टिकटॉकर है ना, माजरत के साथ, टिकटॉकर से माजरत के साथ, ये चंद पैसे के लिए सही और गलत की पहचान भूल के एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। मैंने एक और टिकटॉकर को देखा था जो दो मियाँ बीवी यहाँ लाहौर बैरिया टाउन में रहते हैं और वो भी एडवर्टाइज़ करते हैं। उन्होंने भी जावाई को प्रमोट किया, लेकिन उन्होंने उसकी ना थोड़ी सी एक ऐड तो बना दिया, उसको प्रमोट भी कर दिया, उनसे पैसे भी ले लिए। अच्छा काम उन्होंने ये किया था कि उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो लगा दी थी जिसमें उन्होंने क्लियर कट बता दिया था कि भाई इसमें स्कैमिंग है, इसमें आपके पैसे डूब सकते हैं, ये पॉन्जी स्कीमें हैं, यहाँ पे चंद लोग कमाते हैं, ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। तो आपने वो हमने एक ऐड किया था, आपने जो है ना उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना। ये उन्होंने अच्छा किया, लेकिन मोस्टली लोग नहीं बताते, ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे होते वो टिकटॉक के ऊपर। चूँकि लोगों को उन्होंने घेरना होता है, इन एप्लीकेशन वालों ने, इन लोगों को वो पैसे देते हैं कि जनाब ये देखें, और उनका लाइफ स्टाइल डेफिनेटली हो चुका होता है। उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने और तरीके से अर्निंग कर रहे हैं या उनका कोई और बिजनेसेस हैं, उनके पास पैसा है, उनका लाइफस्टाइल नज़र आता है, उनको गाड़ियाँ नज़र आती हैं, या ऐड बनाने के लिए गाड़ी अपनी भी दी जा सकती है। इसमें कौन सा वो मुश्किल काम है कि आप थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी यूज़ कर लें। वो लोग ऐड बना के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने पैसे वो कमा लेते हैं और आप लोग के पैसे उजड़ जाते हैं। अपने पैसे फजूल जगहों पर इन्वेस्ट करने की बजाय फजूल एप्लीकेशन, हाँ वो जावा हो, आईडीए हो या कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े। आपको पता है ये सबसे ज़्यादा स्कैम जो है ये बाइनांस की तरफ से किया गया आप लोगों के साथ। बाइनांस इन एप्लीकेशंस को अलाउ करता है कि आपका USDT यहाँ पे बाय करें और उन एप्लीकेशंस में जाके इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि उन लोगों ने पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए इसको रखा हुआ है। जब तक आईडी एप्लीकेशन थी, ओपन मार्केट के अंदर जो USD का रेट था, जब तक आईडीए थी और जब तक जावा आई भी काफ़ी एक्टिव थी, तो इसका रेट जो है वो 15+ गूगल प्लस 15 था। यानी कि अगर गूगल के ऊपर 200 रुपीज़ का रेट चल रहा है तो ये 215 रुपये दे रहे थे, 230 रुपये दे रहे थे, या 215 या 230 इस तरह करके। ये इतना ज़्यादा आपको पे क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों को एक लालच होता है कि यार मैं अगर मैंने अपना मिसाल के तौर पर घर बेच दिया है 1 करोड़ रुपये का और उसके मैंने डॉलर्स बाय करने हैं और डॉलर मुझे बाइनांस में चाहिए, तो मैं किस तरह से बाय करूंगा? वो डेफिनेटली ऐसे किसी बंदे के पास जाएंगे या बाइनांस में जाके वहाँ से डायरेक्टली बाय करेंगे, उसके लिए उनको एक वहाँ पे एक रेट मिलेगा। अब वो जो ब्रोकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे डॉलर सेल करते हैं, वो इन लोगों से बाय करते हैं, हम जैसे लोगों से, फ्रीलांसर से बाय करते हैं। बाय करने के बाद वहाँ पर जाके वो USDT बाय कर लेते हैं और इन एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों से। तो प्लीज़ अपना, अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको रिज़्क़े हलाल खिलाएं, मेहनत करके पैसे कमाएं और उस मेहनत के पैसों से ही जो है वो आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा। अदरवाइज़ फिर ऐसा ही होगा, फिर आप रो रो के वीडियोज़ बनाएंगे और वीडियो ही लगाएंगे
बदकिस्मती से मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी एक पोस्ट लगाई थी इसी हवाले से, जावा आई के हवाले से, तो मेरे ही एक बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा उनका, वो उन्होंने मेरे मुझे इस चीज़ के ऊपर बड़ा जो है क्रिटिसाइज़ किया था कि मैं लोगों को गलत गाइड करता हूँ कि इसमें अभी भी देखें ये विदड्रॉ भी हो रहे हैं, लोग पैसे भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बड़ी जल्दी ये लोग भी आपको रोते हुए नजर आएंगे। रोना धोना छोड़ें, मेहनत करें, काम सीखें और पैसे कमाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।